कोरोना के चलते 11 जनवरी से बंद थे पट। आस्था का धाम फिर हुआ भक्तिमय। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के पट एक बार फिर खुल गए हैं। सोमवार सुबह 7 बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पिछले 11 जनवरी से कोविड-19 के फैलते संक्रमण के चलते मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे, लेकिन व्यापारियों व श्रद्धालुओं की मांग के बाद प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट आपसी सहमति से मंदिर सुबह 7 बजे से मंदिर के पट खोल दिए गए। इस दौरान आस्था के धाम मेहंदीपुर बालाजी का माहौल एक बार फिर भक्तिमय हो गया और बालाजी मंदिर के महंत नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में पुजारियों ने सुबह मंदिर में आरती और हवन पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करवाना शुरू किया। हालांकि श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट को भी कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं डबल वैक्सीनेटेड श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की टीम मास्क, डबल वैक्सीनेटेड प्रमाण पत्र और थर्मल स्क्रीनिंग का काम देख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मंदिर ट्रस्ट और व्यापारियों की तरफ से अतिरिक्त कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। वहीं दौसा और करौली पुलिस का जाप्ता भी मौके पर तैनात है। इधर मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं में खुशी है। बालाजी धाम में हम दूर से दर्शन करने आए तो बाबा का दरबार खुला मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे बाबा के दर्शन हुए और बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है और यह जरूरी है कोरोना गाइडलाइन पालना करना, जिससे हमें दर्शन प्राप्त है और बालाजी का दरबार खुलने से यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिली है, यह बहुत अच्छा लगा हमें। जय श्री बालाजी महाराज। टाइम 8 राजस्थान के लिए दौसा से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का।